मैं उसके बाद में 1991 में सी स्टेट एक्ट के द्वारा दिल्ली को विधानसभा दी गई, परंतु 56 में राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों पर दिल्ली की विधानसभा हटाकर उसको संघ राज्य घोषित किया गया। लगभग 3 दशक तक ये व्यवस्था चलती रही। 87 में सरकारिया कमेटी बनी, जो बाद में बालाकृष्णन कमेटी के रूप में जानी गई, और 91 में 69वां संविधान संशोधन किया गया, और इसके बाद दिल्ली राजधानी राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम 1991, जिसमें मैं आज संशोधन लेकर आया हूं, इसको इस महान सदन ने पारित किया गया। और वही विधेयक के अंदर, संविधान संशोधन के अंदर 239A जिसका मैंने जिक्र किया, उसमें इस संसद को राजधानी क्षेत्र के किसी भी हिस्से के लिए और किसी भी कार्य के लिए कानून बनाने के लिए संपूर्ण अधिकार संसद को देने का काम किया गया। माननीय, समस्या कहां से समाप्त शुरू हुई? 1993 से व्यवस्था चली आ रही थी। कभी भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई, कभी कांग्रेस पार्टी ने शासन किया, कभी ऊपर कांग्रेस का शासन था तब हमारी सरकार थी, तो कभी ऊपर कांग्रेस की सरकार थी तब नीचे हमारा शासन था, मगर कोई झगड़ा नहीं हुआ था, सब कुछ ठीक चल रहा था, क्योंकि किसी की मनसा अधिकार हथियाने की नहीं थी, सेवा करने की। कांग्रेस पार्टी ने भी भाजपा के साथ झगड़ा नहीं किया, भाजपा ने भी कांग्रेस सरकार के साथ झगड़ा नहीं किया, और बहुत अच्छे से चल रहा था, कोई डिस्प्यूट नहीं, कोई झगड़ा नहीं। 1915 में स्थिति बदली, और यहां 2015 में यहां स्थिति बदली, और यहां एक ऐसे दल की सरकार आई जिसका मकसद, मुझे कोई झिझक नहीं है कहने में, जिसका मकसद सेवा करना है ही नहीं, झगड़ा करना। माननीय अध्यक्ष जी, अनेक पार्टियों के मुख्यमंत्री रहे, अनेक पार्टियों की मिलीजुली सरकार रही, शुद्ध रूप से सरकार रही, मगर राष्ट्र सेवा करने में और जन सेवा करने में किसी भी पार्टी को कोई दिक्कत नहीं आई। मैं बाद में बात करूंगा क्या दिक्कत है, उसकी भी डिटेल बात करूंगा। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ट्रांसफर पोस्टिंग के अधिकार का नहीं है। विजिलेंस को कंट्रोल में लेकर बंगला जो बना दिया है, इसका सत्य छुपाना है। जो भ्रष्टाचार हो रहा है, इसका सत्य छुपाना है। माननीय वर, उसके बाद में 15 में अचानक ही दिल्ली राज्य सरकार ने एक विषय सर्कुलर निकाला, जिसमें उन्होंने ट्रांसफर पोस्टिंग के अधिकार अपने हाथ में लिए। केंद्र सरकार ने एक नोटिफिकेशन निकाला, उसको हाईकोर्ट में चैलेंज किया गया, हाईकोर्ट का फैसला केंद्र सरकार के पक्ष में आया, इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया, उसमें खंडित जनादेश आया, फिर संविधान पीठ बनी, संविधान पीठ ने कुछ फैसले कर नीचे फिर से 2 जजों की बेंच को दिया, उसमें भी सहमति नहीं बन पाई, और फिर से संविधान पीठ बनी जिसने अभी अभी फैसला दिया। माननीय वर, वो जो इंटरप्रिटेशन है, वो इंटरप्रिटेशन उन्होंने कानूनी और मॉरल दृष्टि से नहीं किया। उन्होंने इंटरप्रिटेशन कानून की स्थितियों का करते हुए ये कहा है कि फिर भी दिल्ली देश की संसद को और भारत सरकार को दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के लिए हर प्रकार का कानून बनाने का अधिकार है। वो अधिकार का उपयोग कर एक वटहुकम, एक नोटिफिकेशन निकाला गया, और वो नोटिफिकेशन इसलिए निकालना पड़ा
कि संसद उस वक्त काम नहीं कर रही, मतलब संसद बैठी नहीं थी, बैठकें चल नहीं रही, तो नोटिफिकेशन निकला और संसद सत्र के अनुपस्थिति में जो नोटिफिकेशन निकला इसको मैं यहां लेकर आया हूं, जो आज सदन के चर्चा के लिए मैंने आप सबके सामने रखा है। मेरा सभी पक्ष के सदस्यों से विनंती है कि चुनाव जीतने के लिए, किसी समर्थन हासिल करने के लिए, किसी पक्ष का विधेयक का समर्थन करना या विरोध करना, ऐसी राजनीति नहीं करनी चाहिए। नए गठबंधन बनाने के अनेक प्रकार होते हैं, नया गठबंधन बनाने के अनेक प्रकार होते हैं। विधेयक और कानून देश के भले के लिए लेकर आते हैं, इसका विरोध या इसका समर्थन भी देश के और दिल्ली के भले के लिए करना चाहिए। अगर हमारी राजनीति में थोड़ी स्वीकृति कम है तो सबको मिलाना है, दिल्ली का जो होना है वो हो, जितना भ्रष्टाचार होना है वो हो, मंत्री कुछ भी करे, मुख्यमंत्री करोड़ों के बंगले बनाए, मगर हम विपक्ष में रहते हुए समर्थन करेंगे क्योंकि हमें गठबंधन बनाना है। इस तरह से नहीं सोचना चाहिए। मेरी अपील है विपक्ष के सदस्यों को कि आप दिल्ली की सोचिए, अलायंस की मत सोचिए, अलायंस से फायदा नहीं होने वाला है। अलायंस होने के बाद भी पूर्ण बहुमत से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। इसलिए ये अलायंस के कारण जनता के हितों की बलि मत चढ़ाइए, जनता सब देख रही है। अलायंस कर आप अगर ऐसा सोचते हो, कि जनता का विश्वास हासिल कर दिया जाएगा, जनता का विश्वास आपको मिला था, मगर जिस तरह से 10 साल यूपीए ने शासन चलाया, 12 लाख करोड़ के घपले घोटाले करे, इसलिए आज वहां बैठे। और मैं फिर से कहना चाहता हूं, दिल्ली सरकार के घपले घोटाले भ्रष्टाचार को प्रचिन्न रूप से अलायंस की गरज के कारण मदद कर रहे हो, पूरा देश देख रहा है और पूरा देश चुनाव में इसका हिसाब किताब करेगा। माननीय, मैंने ये सदन के सामने रखा है बिल को, मेरा सभी से निवेदन है कि अलायंस के मद्देनजर इस पर अपना अभिप्राय न करे, देश के और राजधानी क्षेत्र के भले के लिए न्यूट्रलिटी से बात करे। और वैसे भी मैं बता देता हूं, विशेषकर कांग्रेस पार्टी वालों को, कि ये बिल पारित होने के बाद वो अलायंस में आपके साथ आने वाले नहीं है, तो जो सच है वो करिए। इतना अपील करके मेरी बात को समाप्त करें प्लीज। माननीय सदस्य,